रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, टुडे आवर डिस्कशन टॉपिक इज अबाउट वर्ब एक्सरसाइज नंबर 5। एंड एज यू नो वर्ब एक्सरसाइज नंबर 5 इज इंक्लूडेड इन 9th एंड 10th बोथ क्लास सिलेबस। सो वी विल डिस्कस टुडे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू इन दिस एक्सरसाइज टू टेंसेस आर यूजिंग। फर्स्ट वन इज फ्यूचर इंडेफिनिट, द अदर वन इज फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। लेट डिस्कस अबाउट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस डिस्क्राइब्स एन एक्शन दैट इज स्टिल टू टेक प्लेस, यानी कि अभी होना है, यानी कि वो एक्शन अभी हुआ नहीं है। जैसे कि ही विल गो टू स्कूल, वो स्कूल जाएगा। दे विल ईट मैंगो, वो आम खाएंगे, एक्सेट्रा। देयर आर ऑल्सो सम स्पेसिफिक वर्ड्स वेयर वी विल यूज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस एंड यू विल हैव टू लर्न और क्रैम दो स्पेसिफिक वर्ड्स ऑल्सो, जस्ट लाइक नेक्स्ट, टुमोरो, डेज ऑफ द वीक। इफ यू विल फाइंड दीज वर्ड्स नेक्स्ट, टुमोरो और डेज ऑफ द वीक, यू विल यूज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फॉर एग्जाम्पल, दे विल लीव फॉर लंडन टुमोरो, I shall see him next morning. Sequence with present indefinite tense. If you will find when, then you will use present indefinite tense. Then future indefinite tense. Okay, let me explain with the example. When I leave for Multan, I shall inform him. Students, focus on this formula also. देखें यहाँ पे specific word आ गया when. जब word when use होता है तो हम use करते हैं present indefinite tense. Then we will put here comma. Then we will use future indefinite tense. You will have to learn also this one. कि सबसे पहले जब वर्ड व्हेन आएगा तो देखिए हमने यहाँ पे लिखा आई लीव फॉर मुल्तान, देन वी हैव पुट हियर कोमा, देन वी हैव रिटन हियर आई शैल इन्फॉर्म हिम। जब मैं मुल्तान जाऊंगा तो मैं उसे इन्फॉर्म कर दूंगा। तो पहला हिस्सा जैसा कि हमने पता है, अगर हम ये देखें तो ये फर्स्ट कंडीशनल है। कंडीशनल सेंटेंसेस वी ऑलरेडी नो। अब जीरो कंडीशनल में हमें पता है कि दोनों में हम प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन जब फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस आता है तो फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस में अगर वेन हो तो उसके साथ हम लोग यूज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, देन फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस, ठीक है। नाउ कम टू द फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। स्टूडेंट्स, एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर इन दिस वर्ड एक्सरसाइज नंबर 5, we are using two type of tenses, future indefinite tense which is also called simple future tense and also future continuous tense which is also called future progressive tense. Future continuous tense, this tense describes an action that is going on at some point in future, yani ki aise point se hoga start future continuous जो फ्यूचर में होगा लेकिन किसी पॉइंट से शुरू हो रहा होगा। जस्ट लाइक आई शैल बी रीडिंग द पेपर, देन मैं पेपर को पढ़ रहा हूंगा तब। अब देखिए पॉइंट क्या है, यहां पे आ गया देन। देन इज द पॉइंट, दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड इन दिस सेंटेंस फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। देन ही विल बी प्लेइंग हॉकी एट दैट टाइम इन द मॉर्निंग। ये देखिए I shall be
रीडिंग, न्यूज़पेपर और पेपर, then is the point here. I have discussed earlier then, if you will find point, then you will use future continuous tense, which is also called future progressive tense. Let's start the exercise number 5. Beta, I have told you earlier, there are in my previous videos, there are two methods to do verb exercise or correction. First of all, you should use GTM method, grammar translation method, and the other one is direct method. In grammar translation method, you will translate the sentence in your own native language. But in direct method, you will have to learn some points, some specific words. Just like if you will find now, tomorrow, days of week, these are specific words you will use future indefinite tense. But if you will find some specific points, now, then, in the morning, at that time, etc., etc., then you will use future continuous tense. The first sentence is, you will not understand it. आप इसको नहीं समझोगे. That's why we have used here future indefinite tense. Have you observed that I have translated this sentence in my own native language? आपने भी अपनी native language में इसको translate करना है. अब हमें पता है कि गाएगी future indefinite tense में use होते हैं. ठीक है? This watch will not cost very much. इस घड़ी की ज्यादा कीमत नहीं होगी. अगेन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. नेक्स्ट सेंटेंस, शी विल बी वर्किंग हार्ड फॉर द कंपटीशन. अब देखिए, वो कंपटीशन के लिए सख्त मेहनत कर रही होगी. हमें बता रहा है कि वी विल यूज हियर फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस. ठीक है, लेकिन ये जो सेंटेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट में भी इसकी कंप्लीट सेंस बन रही है. तो she will work hard for the competition. वो मुकाबले के लिए सख्त मेहनत करेगी. Both sentences are correct. ठीक है. Next sentence is, I shall finish this exercise in an hour's time. मैं ये exercise जो है एक घंटे में मुकम्मल कर लूंगा या कर लूंगी. तो गाएगी क्या बता रहा है कि ये future indefinite tense है. I shall not have much money. मेरे पास ज्यादा रकम नहीं होगी. अब ये तो नहीं हम कह सकते कि मेरे पास बहुत ज्यादा रकम नहीं हो रही होगी. सो कंप्लीट सेंस को हमने देखा, GTM मेथड हमने यूज किया यहाँ पे. तो GTM मेथड ने हमें बताया कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस वी विल यूज है. नेक्स्ट है, व्हाट विल यू बी डूइंग एट 4. आप 4 बजे क्या कर रहे होगे. सो ये आ गया आपके पास स्टूडेंट्स WH words. We have done also tenses. इसमें जब WH words आते हैं तो सबसे पहले हम translation WH word की करते हैं. Right after the WH word, जो subject होता है उसके मुताबिक हम वो लगाते हैं helping verb. फिर हम उसके बाद ये आ गया main helping verb. इसके फौरन बाद हमने लगाया supporting helping verb. Supporting helping verb क्यों लगाया, क्योंकि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में दो तरह के हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं. द फर्स्ट वन इज मेन हेल्पिंग वर्ब, द अदर वन इज सपोर्टिंग हेल्पिंग वर्ब. देन वी हैव यूज्ड हियर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन आईएनजी. आगे फिर हमने वहां पर यूज कर लिया है, ये एडवर्ब आ गया. ठीक है, नेक्स्ट है, दे विल ट्रेवल ऑल नाइट. वो सारी रात सफर करेंगे. So we have used here, अब यहाँ पर all night आ गया specific word, some specific words की वजह से. So that's why we have used here future indefinite tense. Next sentence number 8, I shall wait for you at the usual time. मैं आम वक्त या मामूली time तक आपका इंतजार करूँगा. अब करूँगा ये भी show कर रहा है कि हम यहाँ पे future indefinite tense को use करेंगे.
said she will be doing her lesson in French in the morning. अब देखिए स्पेसिफिक वर्ड्स आ गए, पॉइंट की बात हो गई यहाँ पे. इन द मॉर्निंग ये स्पेसिफिक पॉइंट आ गया. अब मैंने आपको पहले अर्लियर बताया कि जब स्पेसिफिक वर्ड्स की बात आएगी तो जैसे कि नाउ देन इन द मॉर्निंग एट नाइट इन द इवनिंग देन वी विल यूज फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस. अब यहाँ पे देखें शी के साथ हमने यूज किया हेल्पिंग वर्ब विल, विल के पॉइंट बाद हमने स्पोकिंग हेल्पिंग वर्ब यूज किया बी देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब देन आईएनजी. Okay, students, I hope so you have understood all the points which I have discussed in this video. First of all, students, you should learn about the future indefinite tense and future continuous tense in detail. Then it is also compulsory for all of you to learn the examples as well. Then you should come to the verb exercise number 5. Allah Hafiz.